मध्य प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। सतना के रैगांव विधानसभा से भाजपा एमएलए जुगल किशोर बागरी का भोपाल में निधन हो गया। वे कुछ दिन पहले संक्रमित हुए थे। इसके बाद उन्हें भोपाल के चिरायु अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोविड से रिकवर होने के बाद पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहे थे। इलाज के दौरान शुक्रवार शाम 6 बजे हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसकी पुष्टि उनके बड़े बेटे पुष्पराज बागरी ने की। प्रदेश में 26 दिन बाद 10,000 से कम केस आए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 9,715 नए मरीज मिले। इससे पहले 13 अप्रैल को 9,720 संक्रमित मिले थे। तब से हर दिन 11,000 से 13,000 के बीच केस मिल रहे थे, लेकिन एक्टिव केस का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। उज्जैन भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया ने अपने प्रतिनिधि राहुल जाट के माध्यम से थाना माधवनगर में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 420 और आईटी एक्ट में केस दर्ज करवाया है। दरअसल मामला इस प्रकार है कि सांसद के नाम से कोई अज्ञात व्यक्ति मोबाइल से कॉल कर अधिकारियों को धमकाता था। यह कॉल कलकत्ता, हिसार सहित देश के कई शहरों में लगाए गए। फोन कर नौकरी व अन्य काम के लिए अधिकारियों को धमकाया जाता था। बदमाश इतना शातिर था कि उसने अपने मोबाइल का नंबर ट्रू कॉलर पर इस तरह से सेट किया था कि अगर उक्त नंबर को जब आप सर्च करेंगे तो ऐप पर आपको उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया का नाम, फोटो और उनके दिल्ली ऑफिस का एड्रेस ही अपने मोबाइल पर दिखेगा। इंदौर निगम कमिश्नर के आदेश पर परिवहन विभाग की मदद से महज 4 घंटों में 48 एम्बुलेंस खड़ी कर दी गई है। इन्हें मरीजों को लाने और ले जाने के काम में उपयोग किया जाएगा। कोरोना महामारी में संसाधनों की कमी जुटाने के लिए नगर निगम ने परिवहन विभाग की सहायता से चंद घंटों में एम्बुलेंस बनाकर जिला प्रशासन को सौंप दी है। यह ऐसी एम्बुलेंस है जिसमें कोरोना के प्रथम लक्षण वाले मरीजों को ले जाया जा सकता है। इन्हें तैयार करने के बाद उन्हें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कोविड मरीजों को राधा स्वामी सत्संग लाने के लिए उपयोग में की जा रही है। निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने बताया, प्रशासन और निगम की संयुक्त प्रयासों के बाद यह संभव हो पाया है। इंदौर जिले के बेटमा नगर के देपालपुर रोड पर हनुमान मंदिर के पास जनता कर्फ्यू की पाबंदी को अनदेखा कर आधी रात को सब्जी मंडी सजाई जा रही थी। इसकी सूचना जब प्रशासन को मिली तो पुलिस ने यहां दबिश दी। मौके पर पहुंचे तो पाया कि कुछ बल्ब के सहारे यहां पर मंडी सजी है और अंधेरे में ही लोग मोबाइल की रोशनी में मोल भाव कर रहे हैं। पुलिस को देख लोगों ने खेतों में दौड़ लगा दी। टीम ने यहां से एक आयसर वाहन और 6 टोल कांटे जब्त किए हैं। इनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश में मौसम बदलने का सिलसिला जारी है। आमतौर पर मई के महीने में भीषण गर्मी पड़ती है। हर बार इस महीने में आसमान से आग बरसती है, लेकिन इस बार आसमान से आग की जगह बर्फ बरस रही है। सोमवार दोपहर रायसेन विदिशा जिले के कई हिस्सों में ओले पड़े हैं। इसके साथ गरज चमक के साथ तेज आंधी और बारिश भी हुई। जबलपुर में भी मौसम ने करवट ली और बारिश शुरू हो गई। वहीं गुना में भी बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के वैज्ञानिक जीडी मिश्रा ने बताया कि दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर चक्रवाती हवाओं का सिस्टम बना हुआ है। इससे नमी आ रही है, इससे बादल बन रहे हैं।